हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे शटिन, ये एक हॉलीवुड मूवी जो कि आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 28 मिनट की है और कहानी सिंपल सी है कि जेसिका जो कि ड्रग एडिक्ट है, लेकिन हाल फिलहाल में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर से वापस आई है। जेसिका के दो बच्चे जो कि इसकी माँ के घर पे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक जेसिका रिहेब में थी तो जेसिका की माँ इनके दो बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन अब जेसिका की माँ की डेथ हो चुकी है। लेकिन कहानी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद जेसिका अपने ही घर के स्टोर हाउस में कैद हो जाती है। फिर क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, इस पर्टिकुलर मूवी में आपको टाइम टू टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी है, में इमोशंस डालने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाता है। उसके अलावा मूवी में वॉयलेंस भी बताया जो कि आपको काफी हद तक इंटरेस्टिंग भी लगता है। लेकिन अगर इस मूवी की नेगेटिविटी की बात को तो वो है इसमें बताई गई कुछ ऐसी चीजें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो स्टोर हाउस जिसमें जेसिका बंद हो जाती है। अब यार, जो एक छोटी बच्ची इस मूवी में बताई है, वो जब घर का मेन दरवाजा खोल सकती है तो क्या वो स्टोर हाउस का दरवाजा नहीं खोल सकती? कितना सिंपल चुतिया पने वाली चीजें बताइए। अगर आप बिना सोचे समझे इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और सोचने बैठोगे तो रिडिकुलस लगेगी भाई। सीरियसली, आप स्टार्टिंग के आधा घंटा देखने के बाद इस मूवी को आगे कंटिन्यू ही नहीं करोगे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो जो लीड एक्ट्रेस है जिसने यहाँ पर जेसिका का रोल प्ले की, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मेरे हिसाब से ये एक ओके ओके मूवी है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के इस पर्टिकुलर मूवी को मत देखना, लेकिन अगर आप लोग दिमाग साइड में रखोगे तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मूवी को एंजॉय कर पाओगे। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। और पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ नहीं है। हाँ, बस थोड़ा बहुत वॉयलेंस है, तो वो आप लोग ध्यान में रख लेना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।